स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट उद न्यू टॉपिक दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी अब डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में समझो डेमोक्रेसी हम लोग को पता है डेमोक्रेसी इज दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द द पीपल पीपल बाय फॉर द पीपल सिंपल अब्राहम लिंकन का कोट सब लोगों को पता है डेमोक्रेसी क्या होता है बट डाइवर्सिटी ये भी पता है कि सर डाइवर्सिटी क्या होता है विविधताएं कि सर कितनी सारा विविधताएं हम लोग को सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है ठीक है कितने सारे डिफरेंसेस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं काय क्या क्या डिफरेंस सर कास्ट के बेसिस पे हम लोग को देखने को मिलते हैं क्लास के बेसिस पे देखने को मिलते हैं रीजन के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे कितनी सारी चीजों के बेसिस पे हम लोग को इवन हम लोग रिच पुअर डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कलर के बेसिस पे कर देते हैं का मतलब रेस के बेसिस पे कितने सारे जो डिफ्रेंशिएशन लैंग्वेज के बेसिस पे तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी से डेमोक्रेसी कैसे रहेगी क्या इंपॉर्टेंस रहता है डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी का और डाइवर्सिटी का डेमोक्रेसी का, का तो ये चीज़ों को हम लोग को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर आएगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जब तुम लोग एक इंसिडेंट देखते हो तो एक इंसिडेंट है ओलंपिक से ठीक है ठेके? जो मैक्सिको ओलंपिक्स था वहां पर ये चीज 1968 में जो मैक्सिको ओलंपिक्स था वहां पर ये देखने को मिला अब वहां क्या देखने को मिला ये फोटोग्राफ इसमें पास ऐसा है समझो इसके अंदर ये दो यूएस के ठीक है जिनको अपन बोल सकते हैं अफ्रीकन क्या बोल सकते हैं अफ्रीकन एथलीट्स हैं ये दोनों ठीक है और ये बहुत अफ्रीकन अमेरिकन हैं ठीक है अफ्रीकन अमेरिकन मतलब ये अमेरिका में रहते हैं लेकिन मूल रूप से एफ्रिकन है इनका बाइबल ये दोनों ने क्या करा था 200 मीटर रेस के अंदर ये जीते थे और इनके साथ एक व्यक्ति और जीता था जो ऑस्ट्रेलिया का था ठीक है एक व्यक्ति फर्स्ट आया था एक व्यक्ति थर्ड आया था ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति आया था वो सेकेंड आया था क्या हुआ इस चीज में देखो यहां पर यह चीज दिखाई गई कि इन लोगों ने क्या करा कि बेसिकली जो अपने शूज थे उसको हाथ में ले लिया और एक हाथ के अंदर उन्होंने सर ब्लैक कलर कर ग्लव्स पहन लिया समझ लो और इस तरीके से रिप्रेजेंट करा और इनके साथ सपोर्ट में जो वो तीसरा बंदा था जो कि ऑस्ट्रेलिया का था उस व्यक्ति ने भी ह्यूमन राइट का एक बैच लगा लिया था भैया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या हुआ ये ऐसा क्यों इंसिडेंट और इसका आउटकम क्या रहे देखो बात समझना इन्होंने कुछ चीज स्पेसिफाई करी देखो यहाँ पर बताया क्या क्या नाम थे In 1968 मेक्सिको में जो ओलंपिक्स हुआ था यूएस के जो एथलीट्स एथलीट थे दो लोग थे दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे और हैव रिसीव दी मेडल्स उन्होंने कैसे रिसीव करा वेरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज और उन्होंने क्या करा था नो no शूज मतलब क्या क्या ब्लैक सॉक्स हाथों के अंदर जो पहन लिया एक हाथ में जूता पहन रख लिया क्यों रिप्रेजेंट करा क्यों ये बताना चाहते हैं ब्लैक पावर्टी ब्लैक पावर्टी मतलब क्या ब्लैक्स की गरीबी ठीक है ब्लैक्स की कौन सी गरीबी जो यूएस के अंदर तुम को बहुत पॉपुलरली अच्छे से पता है कि यूएस के अंदर हमारे इंडिया में तो चलो तुम लोगों ने रिलीजन के बेसिस पे कर दिया कास्ट के बेसिस पे कर दिया वहां तो चलो क्रिश्चियनिटी ही है क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे भी उन्होंने तुम लोग कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट करा वो तो ठीक है यहां पर डिस्क्रिमिनेशन का मे सोच हुआ रेस रेस के बेसिस पे मतलब कोई ब्लैक है और कोई वाइट है जो वाइट्स हैं वो सुपीरियर माने जाते हैं जो ब्लैक्स हैं उन लोग को बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड माना गया ठीक है जैसे हम लोग प्रकार से अनटचेबल समझ लिया ब्लैक के लिए अलग गाड़ियां वाइट्स के लिए अलग गाड़ियां बहुत प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं नलसन मंडी इलाका तो तुम लोग को अफ्रीका के अंदर देखने को सीन तो जो मिला था तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रही थी इसके अगेंस्ट में इसको जो इनके इशू चल रहे थे जो वहां पर अंदर जो ब्लैक्स वाले जो क्या बोल सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको इंटरनेशनल लेवल पे शो करने के लिए उन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट करा उनके हाथ में इस चीज को ग्लव था ये ये शो कर रहे थे कि नहीं वी आर यूनाइटेड जितने भी ब्लैक्स हैं वो यूनाइटेड हैं और ये जूता और ये सब चीज़ क्या शो कर रही थी ये चीज ये शो कर रही थी कि हम कितने है हमारे poverty चरम सीमा पर है, और उसका कोई भी world level पे पे हम, मतलब हमारी खुद की country हमको dominate करी world level पे तो बात भूल ही जाओ इसके कारण क्या हुआ इनको बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिले इवन जो क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन एथलीट हैं उन्हें भी क्या कर दिया उनको बोल दिया कि आप भाई आपके जो मेडल्स हैं आप वो रिटर्न कर दो उनको बहुत बुरी तरीके से हार्शली क्या करा गया उनको ट्रीट किया गया बहुत समझ माना कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इन्होंने बताया ये इन्होंने यू एस का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको ये सोसाइटी में इंटरनेशनल लेवल पे गए और ओलंपिक्स ने ये बताया कि नहीं जो एथलीट्स होते हैं जो गेम होता है उसमें आपको किसी भी कंट्री का लोकल आपका भले ही कितना भी क्रिटिसिजम हो उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा सकते तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा लेकिन इस इशू के कारण देखो जो बताए थे कि यूएस के अंदर जो सिविल राइट right जो मूवमेंट हुआ उसमें बहुत सपोर्ट हुआ इसका बहुत इन्होंने क्रिटिसिज्म तो देखा लेकिन इससे एक बहुत फायदा ये मिला कि ये लोग सक्सेसफुल हो गए इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल अट्रैक्शन ड्रॉ करने के अंदर ऐसा समझ लो जो, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है एसोसिएशन से उनका अटेंशन कि नहीं भैया यूएस के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत चरम सीमा पे है कुछ ना कुछ दिक्कत है तो वहां पर जो सिविल राइट मूवमेंट हु उसके अंदर इनको बहुत सपोर्ट मिला ठीक है सिविल राइट मूवमेंट्स एंड यूएसए कब चला 1954 से 1968 में जो ऑलरेडी चल रहा था फिर 68 एट मेक्सिको ओलम्पिक्स वहाँ पर ये उसको वहां पर ब्रेक मिला स्टॉपेज मिला ठीक है टू टू सेप्ट इवेंट्स इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स द लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन ठीक है तो ये जो प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस पे रेस के बेसिस पे अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स और व्हाइट के बीच में देखने को मिल रहा था इसको इस मूवमेंट का इनका मेन एम था कि ये चीज हटा दी जाए ठीक है लेड इन्होंने किसने इसको लेड करा था तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये वो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या करा था जो सिविल राइट मूवमेंट है उसको लीड करा था और ये लोग नॉन वायलेंट मेजर पे था जिसको अहिंसा बोलते हैं ठीक है थेके? गांधी जी से बहुत इंस्पायर मतलब जो अप्रोच रही कि नहीं हम लोग को क्या करना है नॉन वायलेंस के ऊपर नेल्सन मंडेला की अपन बात करते हैं वो बहुत अप्रोचेस है इनकी बहुत यहां पर उनको सपोर्ट मिला कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करना है नॉन वायलेंस तरीके से हम क्या करेंगे सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट करेंगे कि भाई कैसे भी रेडिकल डिफरेंस

इसके पहले जो सिविल मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट में उन्होंने बोला कि नहीं हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे लेकिन यहां तो इन्होंने का भी हाथ रखा इन्होंने बोला जरूरी पड़े तो हम हथियार भी उठा लेंगे तो ये भी एक चीज हमारे इंडिया में देखो सुनो हिस्ट्री है हमारे इंडिया में भी वही हुई होगी जो कहीं दूसरी जगह हुई होगी दूसरी जगह में भी कही होगी हमारे इंडिया में जगह बदलती है कुछ फैक्ट्स बदलते हैं लेकिन तरीका ऑपरेशंस कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलते टाइम पीरियड बदल जाएगा ठीक है तो अब समझना कि सोशल डिफरेंसेस तो है ही हैं इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो ये सब मिलके एक बहुत बड़ा सोशल डिविजन क्रिएट कर देती है सोशल डिफरेंसेस हैं बात समझना बहुत अच्छे से बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस हैं और अदर सोशल डिफरेंसेस भी हैं ये सब मिला के एक डिविजन क्रिएट कर देती है सोसाइटी का जैसे एक ब्लैक्स और वाइट्स व्हाइट वो तो है ही बट ये तो इनकी प्रॉब्लम थी लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे जैसे रिलीजन की बात कर ली किसी लैंग्वेज की बात कर ली कोई कल्चर की बात कर ली तो इन चीजों के ऊपर भी क्या हो रहा है डिविजन सोसाइटी में हो गया आगे मूव करते हैं ठीक है यहां पर ये बताया कि जब दो ज्यादा differences देखने को मान लो जैसे इसमें रेस आ गया रेस के नाम से तो प्रॉब्लम चल ही रही थी प्लस अब यहां पर क्या आ गया कोई रिलीजन भी आ गया क्या हो जाएगा अब ये दोनों मिला के सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे ठीक है बहुत जगह दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं जिसके कारण इवन कंट्रीज के भी क्या हो गए हैं पार्ट्स बन गए ठीक है हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो वो भी और सोचो हमारे इंडिया को कितना कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी सुप्रीमेसी से कितने पावरफुल तरीके से बनाया कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी ऑल आर यूनाइटेड बिकॉज हम बोलते हैं कि वी ऑल आर वन ठीक है हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई सारी चीजें बोल दो हम सभी एक कम्युनिटी होने के पहले हम क्या है We all are Indians. हम लोग को कोई ये नहीं बोलता है कि I am from Maharashtra, तो आई एम मराठी पहले क्या बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया आई एम एन इंडियन एंड आई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र समझ में आ रही है तो ये एक सोसाइटी में एक मेंटालिटी जो चेंज दिखाता है कि नहीं इतनी विविधता है फिर भी हम लोग यूनाइटेड हैं देखो

ये ब्लैक ब्लैक् ये वाइट है ही इज कंसिडर ब्लैक ठीक है एंड ही इज वाइट ब्लैक वाइट का एक तुमने सोशल है ये सॉरी सोशल डिफरेंस है यहां पर यह सोसाइटी लेकिन अब इनका डिफरेंस कैसे देखने को मिल जाएगा एक डिफरेंस ऐसा देखने को मिल जाएगा कि दे आर जनरली पुअर एंड दे आर जनरली रिच ठीक है तो एक दूसरा यहाँ पर इनकम फैक्टर आ गया अब इनकम फैक्टर में भी ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लैक सभी पुअर है

जब एक जो सोशल डिफरेंस है वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है तो ये क्या बिलोंग करता है ये क्या सोच करता है कि पीपल स्टार्ट फीलिंग कि नहीं अरबुद तो को दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्योंकि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं या जहां वहां रह रहे हैं वहीं इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं एक के साथ देखने को मिल रही है ठीक है अब ओवरलैपिंग में क्या देखने को मिला ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसिस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिविजन एंड टेंशन जब एक के ऊपर एक युपर, एक के ऊपर एक एक के ऊपर तो इतनी सारी मोटी रिलीज एक वो क्या होता है डिफरेंस बन गया सोशल सोसाइटी का तो ये इतना मोटा डिफरेंस क्या करेगा सोशल डिविजन भी क्रिएट करेगा और बहुत टेंशन भी क्रिएट करेगा सोसाइटी में जिसके कारण हो सकता है सिविल राइट्स मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स है जैसे हम लोग सिविल वॉर्स जिनको बोलते हैं ऐसे मूवमेंट देखने को मिले वॉर्स देखने को मिले और कहीं ना कहीं हम लोग की सोसाइटी के अंदर क्या होगा कहीं ना कहीं नुकसान होगा आगे मूव करते हैं

खने को मिले ठीक है क्रॉस कटिंग भैया ये क्या चीज समझाती है क्रॉस कटिंग मतलब क्या होता है ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू ओवरलैपिंग में एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, एक के Division, एक के एक पे ने ओवरलैप कर दिया दूसरे को पर पर क्या हुआ यहां पर ही बात क्रॉस कटिंग बोलता है कि हमें हो सकता भैया फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग ब्लैक व्हाइट का एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूं बहुत अच्छे से याद रखना जैसे अपन पहले भी डिस्कस करा ब्लैक्स और व्हाइट का ठीक है यहां पर है जनरली बोथ बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी ठीक है ये दोनों क्रिस्टन है ठीक है एक के उपर, जब की बात करी, तो अलग बात करते हैं रेस के है. पार्ट पे दोनों अलग अलग बात करते हैं लेकिन हो सकता है अगर इनकम का पैरामीटर के साथ में जोड़ के टैक्स लगा दो क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ब्लैक्स के अंदर भी क्या है रिच है और पुअर्स है सेम ऐसे ही व्हाइट्स के अंदर भी ऐसा होगा तो कॉमन कि यहाँ पर भी रिच होंगे यहाँ पर भी क्या होंगे पुअर होंगे तो हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो जाए कि जब को बढ़ाने की बात कर गई तो जितने भी रिच हैं, चाहे वो रेशियल रिच हो मतलब चाहे वो ब्लैक्स के रिच हो चाहे व्हाइट के रिच हो वो सब एक तरफ आ जाए और जितने भी पुअर्स है वो एक तरफ आ जाए तो हो सकता है यहाँ पर दे हैव कॉमन इंटरेस्ट ऑन दी वन इशू एंड वाइल समटाइम है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू अकोमोडेट एंड डोट गिव राइस टू टेंशन टेंशन राइज नहीं करते लेकिन ओवरलैपिंग के कारण टेंशन बढ़ते हैं ठीक है इन द दिनलैंड ठीक है नॉर्थ आयरलैंड की बात करी क्लास एंड रिलीजन टेंट टू कट अक्रॉस ईच अदर यहां पर क्या करते हैं एक दूसरे को कट करते हैं कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स जो है वो आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर एंड लाइकली टू बी रिच कोई इशू नहीं बात खत्म सोशल डिफरेंसेस के कारण सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिली किन किन कारणों पे इनइक्वालिटी देखने को मिली तो हम लोग को देखने को बोला इन टर्म्स अब एक बात समझना कि जो डिफरेंसेस वो किस कारण से आ भाई कोई व्यक्ति रिच है कोई व्यक्ति पुअर है पॉइंट क्या है कि भाई उसकी क्या गलती है वो तो सोसाइटी में पैदा हुआ है ना जिसमें उसका रेस तुम इस तरीके से बता रहे हो तो बहुत सारे उनको क्या कर सकते हैं पर्सनैलिटी के बेसिस पे एटीट्यूड सोशल रोल्स के बेसिस पे तो ये इनके लिए उनको क्या किया जाता है बनाया है सोशल डिफरेंसेस अब इन्होंने बताया कि क्या रीजन है सोशल डिफरेंसेस के तो सबसे पहला रीजन बताया बाय बर्थ अगर आप उसके अंदर पैदा हो गए हो तो ये आपको उस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बनना पड़ेगा अ पर्सन इंडिया कंसिडर टू बी लो कास्ट बिकॉज ऑफ हिज बर्थ इन दैट पर्टिकुलर लो कास्ट फैमिली तो है बहुत बड़ा इशू है भाई उस बिचारे आदमी की क्या गलती थी मैं अगर किसी ब्लैक्स की बात करूं तो एक ब्लैक बताया कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये हमारे हाथ में नहीं है तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते तो बाय बर्थ वाला पॉइंट खत्म हो गया लेकिन जो बाय चॉइस होता है ठीक है मो भाई मुझे क्या स्टडी करना है क्या ऑक्यूपेशन करना है कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ट्रेडर्स की बात करते हैं ठीक है एक ट्रेडर ले लेते हैं एक ट्रेडर ले लिया दूसरे नंबर पर अपन लिख लेते हैं एक फार्मर लिख लेते हैं तीसरे नंबर पर अपन एक काम करते हैं लिख लेते हैं एक ट्रेडर को ले लिया एक, ले एक फार्मर को ले लिया मान लो एक आ, क्या इसको रखें किसको रखें किसको रखें पायलट को रख लेते हैं या पायलट बैठा हो यहाँ पर इसको हटा के अपन रख लेते हैं कोई मिलिट्री वाला व्यक्ति है ठीक है आर्मी मैन यहाँ एक आर्मी मैन को रख लेते हैं ठीक है एक आर्मी मैन को रख लेते हैं ये तीन क्यों रखे अपन ने समझना ये मेरी चॉइस है कि मैं ट्रेडर बनूं मैं फार्मर बनूं मैं एक आर्मी मैन बनूं मैं एक टीचर बनूं मुझे जो, जो बनना है मैं वो ये मेरी चॉइस है इसके बेसिस पे आप मुझे डिस्क्रिमिनेट तो ये देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स का अलग ग्रुप बन गया वो अलग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं रिच पुअर के बेसिस पे अलग फार्मर्स अलग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये चीजें नहीं होना चाहिए सोशल डिफरेंस का कारण नहीं होना चाहिए ठीक है ऑक्यूपेशन जो है वो एक सोशल डिफरेंस का कि भाई ये ये तो ट्रेडर है ये तो ये करता है किसान है तो किसान काम करता है ए ये तो क्या है अब भाई वो तो आर्मी में चला गया जबरनी हमारे परिवार को छोड़ के देश के यहाँ पर लड़ना है पॉइंट देखो हर जगह आपके डिफरेंसेस क्रिएट होंगे बात समझ में और हमको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे बात समझ में आ रही है बहुत देखने को मिलती राजा लोग तो ये एक चीज हमको नहीं देखना है ठीक है तो ये एक रीजन हो मतलब रीजन हो सकता है स्टेटस ठीक है फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर सकते हैं रिच पुअर कुछ फैमिली रिच होती है कुछ फैमिली पुअर होती है तो वो एक डिविजन का कारण हो गया तो इन्होंने सब डिफरेंसेस हम लोग बताया कि हमारी चॉइस के बेसिस पे देखते हैं जैसे कोई एग्जांपल आर एस्थेटिक्स अब यहाँ पर चॉइस मतलब है, रिलीजन अपन जो बात करते हैं जो हम लोगों ने ट्रेडर्स की बात करी ऑक्यूपेशन की बात करी या दूसरा इन्होंने पार्ट बताया कि रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है कुछ लोग भगवान को मानते हो और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हो दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीज ठीक है जिनको हम लोग नास्तिक बोलते हैं प्यार से तो ये हो सकता है उनके कारण नास्तिक और आस्तिक में डिविजन हो जाए कि भगवान को नहीं मानते भगवान को मानते हैं ठीक है दूसरे नंबर पे सोशल एक्टिविटी तो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर ली यहां पर भी एक सोशल डिफरेंस रिच और पुअर के अंदर भले ही सेम कम्युनिटी के अंदर है तो एक व्यक्ति रिच है एक व्यक्ति पुअर है तो जो रिच व्यक्ति होगा वो पुअर व्यक्ति को डोमिनेट करेगा भले ही वो सेम कम्युनिटी में बिलोंग करता हो तो ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो ये भी एक चीज़ है हम लोग को देखने को मिली फिर रिलीजन रिलीजन के पे तो सोशल डिफरेंसेस हम लोग बहुत पॉपुलरली हम लोग देखते ही आते हैं ठीक है बहुत कॉमन वॉर्स देखने को मिल जाती है है ठीक तो समटाइम रिलीजन कैन बी वन ऑफ कॉज ऑफ सोशल डिफरेंसेस इट इज फेयरली कॉमन फॉर दीपल बिलोंग दिंग सेम रिलीजन फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर देखो जैसे क्रिस्टानिटी की बात करते हैं क्रिस्टानिटी के अंदर क्या हो गया दो है प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स ये दोनों सेम क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं लेकिन ये दोनों के डिफरेंसेस अलग अलग ये सोच तो ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं हम भले ही एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं लेकिन हम अलग अलग कम्युनिटी से ऐसे में अगर हिंदू हिंदुज़म की बात कर लूँ तो यहाँ पर ब्राह्मण्स हो गए शुद्रास हो गए क्षत्रियास हो गए इनके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस ब्राह्मिंस के अंदर और फिर सब डिविजन्स मुस्लिम्स की बात कर लूँ तो मुस्लिम्स के अंदर सुन्ने मुस्लिम शिया मुस्लिम ठीक है ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को तो so पॉइंट है कि हो सकता है वो एक सेम रिलीजन को बिलोंग करते हो लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं सेम कम्युनिटी को नहीं कर सकते करते हैं क्योंकि इनके बीच में भी एक सोशल डिफरेंस देखने को मिला पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन अब बात समझना पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन इज अ वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस बिकॉज अगर एक पार्टी क्या करे मतलब रिलीजन डिफ्रेंसेस या सोशल डिफरेंस के अंदर पॉलिटिक्स घुसा दे तो वो झगड़ों का रूप ले लेती है वो रेड्स का रूप ले लेती है ठीक है तो यही बताया कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई करती है लड़ाई कि वोट के लिए लड़ाई करती हैं और उसको क्या करते हैं अपनी सुप्रीमेसी शो करती हैं लेकिन उस कारण से क्या होता है कहीं ना कहीं डिसंटिग्रेशन होता है कहीं ना कहीं एक पार्टी जब इलेक्शन जीतती है तो दूसरी पार्टी को सप्रेस करने के लिए रिलीजन को सप्रेस करती है

जब पॉलिटिकल पार्टी करती है तो हर अलग व्यक्ति से अलग प्रॉमिस करती है मतलब हर अलग कम्युनिटी के लिए कि हम फलाना कम्युनिटी के लिए करेंगे ढिकाना कम्युनिटी के लिए ये करेंगे तो ये जो है ये एक प्रॉपर पॉलिसी और इसके कारण क्या होता है ये एक वो क्या कर देते हैं एक आ, डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर ठीक है तो ये एक बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली तो एक बहुत दिक्कत है ना भाई तुमको ये जब हम सोशल डिविजन की बात करते हैं तो उसके अंदर पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना है पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेन टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अनदर क्यों क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे जो इशू है उसके ऊपर ध्यान रखा इसने मेरे रिलीजन के ऊपर ध्यान दिया मेरे रिलीजन को सपोर्ट कर रहा भाई चलो भेड़ चाल सब उस रिलीजन वाले सब उसको वोट दे देंगे नहीं चीज़ नहीं होना चाहिए मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं कि हमें एक चीज़ याद रखना है कि वी आर दी फ्यूचर हमें किसे वोट देना है वो किसी रिलीजन किसी पार्टी और इन चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए ही वो वर्क वो बन जो व्यक्ति है मेल और फीमेल जो कैंडिडेट है वो कैसा है उस कैंडिडेट के

मतलब कम्यूनल डिवाइड है ना कम्युनल डिवीजन ऐसा समझ लो कि अलग लग लग से से उनको अलग बेसिस में उनका अलग अलग प्रॉमसिस कर लेकिन स्टिल इससे कंट्री का डिस इंटीग्रेशन नहीं हुआ यही पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ठीक है हो सकता है ना कि भाई आज मान लो जो पंजाबी है पंजाब पंजाब रीजन के जो है उन लोगों ने कोई एक आ, बात रखी उनका अपना सीएम बन गया जो जनरली पंजाब में हमको देखने को मिलता है कि पंजाबी सीएम देखने को मिलता है ऐसे अलग अलग कंट्रीज से जो केरला चले जाओ यूपी चले जाओ तो अलग अलग क्या होते हैं मान लो उनके अलग रीजन के रिलीजन के बेसिस पे वहां पर क्या हो गया सीएम बने उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी लेकिन ये सब जब डिसइंटीग्रेट नहीं होते ये सब लोग देश पहले हम बात में ये चीज को हम लोग को प्रेफर करना पड़ता है आज देश का प्रधानमंत्री चाहे क्या बने हिंदू बने चाहे मुस्लिम बने चाहे सिख बने चाहे ईसाई बने उसको पहले अपने धर्म अपनी जाति अपने कुल से ऊपर देश को रखना रहेगा तो वो देश के इंपॉर्टेंस इसीलिए देश इंटीग्रेटेड है डिसइंटीग्रेट नहीं है इतनी सारी डाइवर्सिटीज और इतने सारे सोशल डिविजन के बावजूद भी द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज अब देखो इसके क्या आउटकम होते हैं तो उन्होंने बताया कि सिंपल ये कि मैं मेरी आइडेंटिटी कैसे परसीव करता हूं अगर मैं रखता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ तो मेरी हिंदू के अंदर भी मान लो अगर मान लो जैसे तुम लोग मूवी देखी होगी कान्य कु ब्राह्मण होते हैं मतलब तो तुम्हें डिविजन पता है ठीक है तो मैंने कान्य कुछ बहुत सारे गुजर गोड़ अलग अलग ब्राह्मण्स होते हैं तो मैं क्या रख रहा हूं अपने को कि भाई मैं कान्य ब्राह्मण हूं तो भाई मैं यहां पर मैंने फिर किसी चीज को नहीं देखा मैंने किसको देखा मैं एक अपनी कम्युनिटी को अपने रिलीजन को देखा लेकिन वही अगर मेरा देखने का नजरिया होगा कि मैं पहले इंडियन हूं ठीक है उसके बाद में कोई सी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और उसके बाद में कोई दूसरी सब कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो जो मेरे देखने का नजरिया होगा ये क्या करेगा ये आउटकम पॉजिटिव रखेगा जिस कारण से इसको दिक्कत नहीं आएगी देश को इंटीग्रेट करने इट डिपेंड्स हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड्स ठीक है पॉलिटिकल लीडर्स क्या होता है क्योंकि इनके ये लीडर्स होते हैं इनके साथ एक कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है हो सकता है ये दंगे फसाद करवा दे ठीक है तो ये तो वो देश को रखेंगे. अगर उनकी अप्रोच ही नेगेटिव तो क्या करेंगे खलिस्तान मूवमेंट हम लोग को पता ही है कितना खतरनाक मुका खाली दल वाला जो मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है तो खलिस्तान की एक अलग डिमांड होने लग गई थी क्यों क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल लीडर था ये गलत तरीके से उसको रूल uh, कर रहा था अपने जो बात है उसको अलग तरीके से लोगों को uh, क्या कर सकते उनको भड़का रहा था उन लोगों के बारे में नए नए आइडियाज डाल रहा था कि नहीं हमको तो खालिस्तान बनाना है खालिस्तान बनाना है नहीं दिस इज रॉन्ग बात समझ में आई तो ये चीज किस तरीके से लीडर रिएक्ट करता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ठीक है इट इज इजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उसको अकोमोडेट करने में फायदा रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरी फ्री में होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में होगा और अगर उससे बाहर होता है तो फिर दिक्कत हमको देखने को मिलेगी सोशल डिफरेंसेस ओरिजिन जो ऑलरेडी वी हैव ठीक है क्या क्या होता है एक तो बाय बर्थ बर्थ क्या किस बर्थ किस कम्युनिटी में पैदा हुआ है ठीक है तो हम लोग नहीं चूज कर सकते ना कि हम किस कम्युनिटी में पैदा करें मैं अपने देखो एक चीज बहुत कॉमन चीज है इसलिए हमेशा दोस्त अच्छे बनाना हम अपने रिश्तेदार चूज नहीं कर कि सकते कि मेरा रिश्तेदार हो सकता है ठीक है लेकिन हम हमारे दोस्त जरूर चूज कर सकते हैं

and an occupation where we can excel. All of of these led to the formation of social social group group that are based on our choices डॉक्टर्स है उन लोगों के लिए अल... लो एक अलग group है तो ये क्या है ये उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एक डिविजन क्रिएट हुआ तो यही हम लोग तो बात कर रहे हैं कि डिविजन के केसेस क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो दिस इज वॉट दी ओरिजिन ऑफ सोशल So I guess this is it in this part. Thank you so much.